ऑन पे चार्ज नहीं करता था, ऑफ पे सिर्फ चार्ज करता था, लेकिन अब ऑफ पर भी चार्ज नहीं कर रहा। तो इसका मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, यहाँ पे आपके सामने चार्जिंग बिल्कुल एग्जैक्ट हो रही है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, हमारे पास ये नोकिया का मोबाइल आया था, नोकिया 150, इसमें चार्जिंग इशू था। इस पे पहले भी बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है चार्जिंग के मसले पे, लेकिन ये अभी मेरे पास जो आया ये चार्जिंग नहीं था कर रहा। कस्टमर का बताना ये है कि ये पहले जो है चार्ज ऑन पे चार्ज नहीं करता था, ऑफ पे सिर्फ चार्ज करता था, लेकिन अब ऑफ पर भी चार्ज नहीं कर रहा। तो इसका मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, यहाँ पे आपके सामने चार्जिंग बिल्कुल एग्जैक्ट हो रही है। तो अभी इसके मैं आपको वेस दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ इसमें कहाँ से जम्पर किया है। तो इसके लिए मैं पहले ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट चार्जिंग हो रही है, ये ऑफ पे भी अब चार्जिंग होगी और ऑन पर भी चार्जिंग होगी। तो अब मैं मोबाइल को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल दो जंपर इसमें किए हैं, एक मैंने माइनस ग्राउंड में दे दिया, यहाँ पर ये ग्राउंड मैंने यहाँ पर जंपर कर दिया। दूसरा जो इसका प्लस पॉइंट है वो इस रेजिस्टेंस के नीचे वाले हिस्से में मैंने जंपर कर दिया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये इस रेजिस्टेंस पे नीचे वाले हिस्से में मैंने इसको जंपर कर दिया और ये एग्जैक्ट चार्जिंग करने लग गया है। तो अगर आपके पास भी नोकिया का 150 मोबाइल आता है तो आप उसकी चार्जिंग प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी ऊपर आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे चार्जिंग जो बेस एरिया है ये मुकम्मल जो है ख़राब हो चुका है। तो ये सिंपल दो जंपर से मैंने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ आपको हमेशा टाइम पर मिलती रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।